आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सदैव मिलेनियम स्कूल में 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोविड का टीका लगने के लिए कैंप लगाया गया है। दो दिवसीय कैंप में पहले दिन सैकड़ों बच्चों को टीका लगाया गया। इस दौरान बच्चे टीकाकरण होने से काफी उत्साहित दिखाई दिए। बच्चों के साथ साथ अभिभावक भी अब अपने बच्चों को लेकर काफी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सचदेवा मिलेनियम स्कूल के बच्चों को कोविड की वैक्सीन लगाने के लिए दो दिवसीय कैंप आयोजित किया गया है। पहले दिन कैंप में सैकड़ों बच्चों को कोविड का टीका लगाया गया। बच्चे भी टीका लगने के बाद काफी उत्साहित नजर आए। बच्चों का कहना है कि अब वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वैक्सीन लगवाने आए थे यहाँ पे, सोचा था बच्चे डर रहे बहुत सारे पहले। अरे नहीं, कोई नहीं डर रहा, बहुत मजे आ रहे हैं हमें तो। कैसा लगा? पहले जब लगी थी तो थोड़ा सा दर्द हुआ था, पर अब सब नॉर्मल है। यस, मजा आया। आप कैसा फील कर रहे हैं वैसे? हम देखे जैसे भीड़ भाड़ है, कोविड बढ़ रहा है, उसको देखते हुए क्या लग रहा है? यही कह रहे हैं, अब वैक्सीन लग गया है तो सब चीज नॉर्मल जल्दी से जल्दी हो ही जाए, बस यही चाहते हैं हम। अब लग रहा है कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं आसानी से? हाँ, मतलब थोड़ा बहुत तो हमें मास्क वगैरह तो पहनना पड़ेगा, मास्क सैनिटाइजर वगैरह का यूज़ तो करना पड़ेगा, पर अब थोड़ा बहुत तो सेफ है। मतलब ये अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा, सही है। मतलब अब कुछ है नहीं, कुछ है ही नहीं, थोड़ा मतलब पेन है। अच्छा, हाँ नहीं, मतलब सुरक्षा की दृष्टि से कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है, मतलब वैक्सीन लगवा के। पहले क्या लग रहा था? पहले मतलब जैसे कोरोना होने का थोड़ा डर था, वैक्सीन लग गई है तो थोड़ा सही रहेगा। ऊपर जा रहा हूँ मैं। स्कूल कैंप में वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे 15 से 18 साल के बच्चों का कहना है कि सरकार ने अच्छा कदम उठाया है, सरकार अच्छा काम कर रही है। मैं तो प्रीस्कूल आई हूं सचदेवा मिलेनियम स्कूल। मेरा नाम प्रिया वर्मा। वैक्सीन से डर नहीं लग रहा है? नहीं, इतना तो नहीं लग रहा। हाँ, मतलब कैसा फील कर रहे हो? सही कर रही हूँ। क्या लग रहा है कि अब हम मतलब कोविड जो चल रहा है उससे बच जाएंगे आराम से? प्रॉपरली तो पता नहीं वैक्सीनेशन के कॉसेस क्या है, लेकिन हाँ मतलब जहाँ तक है तो अगर गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया तो ऑब्वियसली बच जाएंगे। अच्छा किया है गवर्नमेंट के लिए, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, वो सबको वैक्सीनेट कर रही है। खुशी हो रही है? वैक्सीन लगवाना आई हूँ। क्यों जरूरी है वैक्सीन लगवाना? जब ये पता चला कि सरकार ने वैक्सीन लगाने के लिए बच्चों को भी कह दिया तो कैसा फील हुआ घर में? बहुत अच्छा फील हुआ। क्या सोच रहे हो वैक्सीन बारे में? अच्छी बात है वैक्सीन लग रही है, इससे कोरोना वायरस जल्दी हटेगा और हम सब फ्रीली घूम पाएंगे। मतलब आप खुश हो? हाँ जी, खुशी है बहुत। वैक्सीनेशन मजा आया? यस सर। कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या क्या सोचा था जब वैक्सीन नहीं लगी थी और अब लग गई? अब थोड़ा सा प्रोटेक्ट फील करेंगे। अच्छा, यस सर। उससे पहले? उससे पहले थोड़ा सा डर लग रहा था कि कुछ हो ना जाए वगैरह। अच्छा, यस सर। तो सरकार ने जो कदम उठाया उसके लिए क्या कहते हैं? सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है ताकि जनसंख्या बच सके इस महामारी से और जल्दी से जल्दी हर चीज़ अपने लाइन पे आ जाए। अच्छा लगा, क्योंकि फिर अब हमारी भी कोविड की वैक्सीन लग रही है तो अब हम भी थोड़ा सा सेफ फील कर सकते हैं। अब ये लग रहा है कि कहीं हम आ जा सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं, बट अभी भी थोड़ा घर में रहना, थोड़ा प्रिकॉशंस लेना भी ज़रूरी है। मतलब ज़रूरी हो तो ही जाना बेहतर होगा इस टाइम पे भी, क्योंकि अभी भी कोविड के थोड़े केसेस बढ़ रहे हैं। वैक्सीन कैंप के दौरान स्कूल के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने वैक्सीन लगवाई। सुबह 10 बजे से ही वैक्सीन सेंटर पर बच्चों का पहुंचना शुरू हो गया था। बच्चों के अभिभावक भी अब अपने बच्चों के वैक्सीन लगने के बाद खुश नजर आ रहे हैं। मैं वैक्सीन लगवाने बेटी की 11th में पढ़ती है, SSV भदौरिया। नहीं, बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने जो ये निकाला है, बहुत अच्छा बच्चों के लिए, इससे सुरक्षा भी रहेगी। और बच्चे क्या कर रहे हैं आपके? बच्चे तो पढ़ती है यहीं पे, 11th क्या में क्या है। बहुत खुश है बच्चे, बहुत खुश है। स्कूल आया था सचदेवा मिलेनियम, बच्चे का वैक्सीनेशन था आज, टाइम दिया गया था आज का। अच्छा, कैसा फील कर रहे हैं आज बच्चों को वैक्सीन लगाने के बाद? बस सर यही है कि सब ठीक हो, आराम से लग जाए, बाकी कोई दिक्कत भी ना हो। वैसे मैंने और भी जगह पूछा, दिक्कत तो नहीं आई है कोई। बढ़िया है सर, बहुत अच्छा लगा, सभी वैक्सीनेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। आगे कहीं हमें आना जाना है तो उसके लिए भी दिक्कत नहीं होगी। बच्चे क्या कह रहे थे जाते? बच्चा तो मेरा बिल्कुल तैयार था, कह रहा था पापा मैं तो बहुत खुश हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया है, गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम आई है कोरोना से, जो यही एक इसका इलाज है और तो कुछ है ही नहीं कोरोना से बचने के लिए।
और आप लोगों को लग गई थी वैक्सीन और बच्चों को नहीं लगी थी, उस समय क्या फील हो रहा था? नहीं, ये पता था गवर्नमेंट की पॉलिसी की आगे आएगी, गवर्नमेंट ने पहले ही डिक्लेयर कर लिया था कि एज ग्रुप डिसाइड कर लिए थे, इसके बाद पता था कि आनी है बच्चों के लिए, और स्कूलों में भी ये फैसिलिटीज अवेलेबल करा रहे हैं, ये तो और बढ़िया है। नहीं, अब ये जो पैंडमिक पीरियड आया है, अब सावधानी तो बरतनी पड़ेगी, अगर आप ऐसे केयरलेस करोगे तो फिर आगे ऐसी दिक्कत। कैसा फील कर रहे हैं आप लोग वैक्सीन लगने के बाद? नहीं, बच्चे अभी थोड़े सहमे डरे सहमे से भी हुए हैं, लेकिन बहुत बढ़िया बात है कि बच्चों को वैक्सीन लग रही है अभी। 3 जनवरी से सरकार ने बच्चों को भी टीका लगाने की घोषणा की थी। 2021 में भी सरकार ने 16 जनवरी से वयस्कों का टीकाकरण शुरू कराया था। अब स्कूली बच्चों को टीका लगाया जा रहा है। 2 साल के अंदर ही इस बीमारी को हराने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने टीका ईजाद किया है। ये इतनी विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। बच्चे और उनके अभिभावक टीकाकरण होने के बाद अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सी न्यूज़ के लिए विनोद जूनियर की रिपोर्ट।